आज की लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेस भरी होने लगी है कि अगर आप जिम या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहना नामुमकिन है। ऐसे में कई लोग शौक में जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि जिम के बाद कैसी डाइट उन्हें फायदा देगी। तो आज हमने इंटरनेशनल ट्रेनर पृथ्वी मावी और अक्षय चोपड़ा से बात की, जिन्होंने हमें जिम के बारे में बखूबी तरीके से बताया जिससे हम अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आई 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। पृथ्वी मावी जी, पहचान के मोहताज नहीं हो आप, कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आज इंटरनेशनल बॉडी में फिटनेस में आपका नाम है। आपकी जर्नी का कुछ अंश जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड माय लाइफ आई वाज थिंकिंग दैट व्हाई आई एम नॉट, व्हाई आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन डू दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव patience, if you have a motivation, if you have a dedication, you can do anything in your life. When I started my life, I was just a normal trainer, and I thought I can do something big, why not? Aur fir bahut sare logo ko maine dekha, they are also doing good. Fir mujhe laga lekin mujhe kuch aisa karna hai ki log mujhe mere naam se jaane. 5 saal job ki 250,000 aapki tanakha thi, salary itni achhi thi. नहीं, मेरी एक्चुअली सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया। इट वाज 1500 रुपीज़ इन अ मंथ। लास्ट जॉब जब मैंने छोड़ी एक फिटनेस ट्रेनर के लिए 2,50,000, इट्स अ बिग अमाउंट। लेकिन मुझे फिर भी एक होता है ना, खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि यू आर समथिंग फॉर बिग, तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो और तुम और भी अच्छा कर सकते हो। तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड इन बॉलीवुड एंड ऑल, सो आई गॉट अ मूवी फ्रॉम देयर। एक साल पहले अभी मैं मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, यू आर बेस्ट फॉर दिस थिंग, यू हैव अ गुड फिजिक, यू हैव गुड लुक्स, यू हैव गुड फीचर्स, सो यू कैन स्टार्ट, यू कैन ट्राई। पहले लगा हाँ हो सकता है, ईजी है थोड़ा टाइम। फिर वहाँ पर गया और ऑडिशंस दिए, मुझे लगा कि ईजी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, जैसा सब लोग सोचते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग एक ही दिन में ट्रैवल करते हैं मुंबई, और फिर मुंबई से वापस बहुत सारे लोग वापस ट्रैवल करते हैं। मुंबई सपने तो बहुत लेके जाते हैं मगर जो पूरा होते हैं वो कम होते हैं। मगर आपका जो सपना था कैसा था और किस तरह से आपने सोचा था? सपने उन लोगों के नहीं पूरे होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होते हैं। जो लोग सोचते हैं नहीं, मुझे एकदम से ऐसा चाहिए सारा कुछ, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो तुम्हारा कोई भी ड्रीम है और तुम्हें भरोसा है अपने ऊपर, तो सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। सबसे पहले बॉलीवुड की आप बात करें, किससे मिले थे जब आपका भरोसा बन रहा था किसी से जाके कि मैं आगे जाके बॉलीवुड में कुछ कर सकता हूँ? बॉलीवुड में मैं बहुत सारे स्टार्स से मिला था, लेकिन ऐसा होता है कि जब तुम किसी नई इंडस्ट्री में जाते हो, मेरे लिए वो बिल्कुल नई इंडस्ट्री थी क्योंकि मैं फिटनेस लाइन से था, और फिर मुझे लगा कि ईजी हो जाएगा मेरे लिए, वो लोग बहुत हेल्प करेंगे, हाँ हम देखते हैं ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं ऐसा। फिर मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ, वापस दिल्ली आता हूँ। वापस दिल्ली आने का ट्राई किया, लेकिन फिर दिल्ली में भी मन नहीं लगा, फिर वापस चला गया। मैंने कहा एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। मेरे रूममेट ने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट शेयर किए, मैं वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें बता देंगे। हमेशा ऐसा ही होता था, मैं पहले भी 10-20 ऑडिशंस दिए, ऐसा ही होता था कि हम लोग बता देंगे, बता देंगे। लेकिन वहाँ से आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर एंड दे जस्ट सेड डू यू हैव पासपोर्ट, आई सेड यस आई हैव पासपोर्ट। सो आई वाज शॉक्ड दैट मे बी समबडी इज किडिंग मी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे आर आस्किंग टू मी दैट डू यू हैव पासपोर्ट। सबके पास अपने ड्रीम्स होते हैं। मेरा ड्रीम्स था कि मुझे एक बार बाहर ट्रैवल करना है, सिर्फ ऐसा कुछ ड्रीम था। देन उन्होंने मुझे बोला कि तुम कल आके एक बार मीटिंग कर लो, एंड जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है नॉर्मल होगा, लेकिन फॉक्स स्टार स्टूडियो था, और फॉक्स स्टार स्टूडियो सबसे बड़ा बॉलीवुड में अभी आज की डेट में है और सबसे अच्छा है वो। हाँ सर, पहले बॉलीवुड में आप मिले थे पूजा भट्ट से, पहले मैं से जब मिलने जा रहे थे सुपरस्टार सेलिब्रिटी थी, क्या कुछ मन में था कि डर सी झिझक थी? आलिया भट्ट से जब मैं मिला, वो बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैं एक्चुअली उनको सूरी जी हैं उन्हें ट्रेनिंग करा रहा था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि मेरी कज़न है, तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे लगा पहली पहली सेलिब्रिटी देखने का मौका मिल रहा है,
सो दे वर जस्ट प्लेइंग बैडमिंटन। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझसे हाई किया। मैं एक होता है थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम एटीट्यूड कह सकते हो कि नहीं नहीं बस हाई करके बस रुक जाना, वो था क्योंकि पहले बच्चों वाला तो सब में ऐसा होता है जो लोग नई इंडस्ट्री में जाते हैं कि नहीं नहीं वो सामने बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी तक रहा हो जिसने आपको मतलब सबसे जो ड्रीम थे आपके सोच रखे थे वो पूरा हुआ हो कभी अभी तक जो एक्सपीरियंस है? मेरी लाइफ में आज तक जितने भी मैंने ड्रीम्स देखे हैं मुझे कभी भरोसा नहीं था कि वो इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे। एक साल में ऑलमोस्ट जितने मैंने ड्रीम्स देखे हैं ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। मैंने 3 मूवियों में काम किया हुआ है, एक रिलीज़ हो चुकी है ए जेंटलमैन 25th ऑफ अगस्त। क्या रोल किया था सर? नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें, लोगों ने बोला कि कैरेक्टर है ठीक है नॉर्मल आएगा, लेकिन जब वो आया तो जब मुझे बहुत सारे मुझे ऑलमोस्ट 5000 मैसेजेस आए दैट यू आर लुकिंग ऑसम, और उन लोगों को मैं जानता नहीं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। मैं सेल्फी यू यू आई जस्ट शो यू इन जेंटलमैन मूवी। जेंटलमैन में जो पोस्टर आया था सब मूवी देखी थी, सब में आप पीछे नजर आए थे। वो बॉडीगार्ड का कैरेक्टर नहीं था एक्चुअली, मेरा एक अलग ही था कि हाँ ये बंदा किसी से बात नहीं करता है, अगर कुछ बात होगी सीधा हाँ रूड टाइप का है मारधाड़। तो जैसे आपको कैरेक्टर दिए जाते हैं आपको उन्हीं के हिसाब से काम किया जाता है, आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते नहीं मैं ऐसा करूँगा मुझे ये सीन दो मुझे वो सीन दो। आप कौन सी मूवी आने वाली है आपकी जस्ट बॉलीवुड? अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बट इट्स अ बिग मूवी। किस किस मतलब कैरेक्टर को कौन आपके साथ? अभी कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अभी 2 मूवीज़ की मेरी बात चल रही है, एक हॉलीवुड मूवी और एक बॉलीवुड मूवी है। क्या कुछ कहना चाहोगे उनका जो आने वाली जनरेशन है अपनी फिटनेस को लेकर कैसे हेल्दी रहे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि पेशेंस उनके अंदर होना चाहिए और कभी भी गिव अप ना करें और नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अक्षय चोपड़ा जी नाम तो बहुत सुना है, लॉन्ग जंप में आप दिल्ली के सबसे नंबर 1 रहे हैं, क्या कुछ कहोगे अपनी पहले तो जर्नी को लेकर? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी एंड आई लव टू वर्क हार्ड अ लॉट एंड काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए जर्नी में, लेकिन आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम द जर्नी। बेसिकली जो एक्सपीरियंसेस मिले वो बहुत ही यूनिक थे, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने देखी वो पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं करी या करी नहीं थी, तो बहुत वेरिड फील्ड से मैं निकला हूँ। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड जर्नी एंड होपफुली द जर्नी विल कंटिन्यू। सर आपने जिक्र किया था आपके अभी सेमिनार में राइट जो 95 जो ट्रेनर होते हैं वो अनएजुकेट होते हैं राइट कैसे सर? ओके व्हेन आई टॉक अबाउट के 90-95% ट्रेनर्स इस कंट्री में अनएजुकेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलिटरेट है। अनएजुकेटेड मतलब वो अपनी फील्ड में उनकी एजुकेशन बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कोचेज जो मैंने देखे हैं वो जनरली 12th पास या ग्रेजुएट हैं, ये क्वालिफिकेशन आपको कोई कोच या फिटनेस ट्रेनर नहीं बनाती। और इनमें से काफ़ी ऐसे ट्रेनर्स हैं ज़्यादातर जिनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो एज अ कोच यू आर सपोज टू हैव सम बेसिक क्वालिफिकेशन, कुछ आपके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, कुछ आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो आप एक कोच की तरह क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो शायद आप उसको हार्म ज़्यादा करें। ओके बॉडी मैकेनिक्स का जब कंसेप्ट आया तो हम 3 पार्टनर्स थे और तीनों की इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है मोर ऑफ टेक्निकल नो हाउ में, जो मेरे बाकी पार्टनर्स हैं सनी गंभीर और सनी गुलाटी, इनका रहा है जिम कंस्ट्रक्शन में या मैनेजमेंट में, और बहुत सारे जिम्स के इन्होंने मैनेजेरियल स्किल्स इनके अंदर हैं, इन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया है देखा है काम करा है। सो देन काफ़ी सालों के बाद हम लोग साथ आए और जब ये जिम आया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसकी वजह से ट्रेनर्स को प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होती है, हमने उनको ऑटोमेट किया। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉडी मैकेनिक्स में आएंगे तो आपकी राइट फ्रॉम द टाइम यू एंटर टिल द टाइम यू गेट आउट, आपकी एंट्री एग्जिट, आपके लॉकर्स एंड आपका वर्कआउट, जो वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटेड वर्कआउट सिस्टम हमने डिज़ाइन करा है, वो सारा सिंगल कार्ड या सिंगल बैंड से एंट्री है। तो क्लाइंट को सोचना नहीं पड़ता कि मुझे 10 चीज़ें कैरी करनी है, चाबी का क्या होगा या मैं वर्कआउट क्या पूछूंगा या मेरे जो ट्रेनर्स हैं उनको याद रहेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। तो हमने वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोमेटेड वर्कआउट सिस्टम डेवलप करा। हमारे यहाँ जो स्पिनिंग क्लासेस होती हैं उसके अलावा वी हैव अ 2D गेम जिसमें अगर आप 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं या फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो आप एक्चुअली उसके अंदर रेस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एम होगा इन्हीं सिस्टम्स को और एडवांस करना। क्या कुछ रेट रखी है इसकी, मतलब कितने महीने का इतना लगेगा जो जिम साधारण जिम थी या ऑटोमेटिक जिम? ओके नाउ
जिम्स के प्राइसेस बहुत डिफर करते हैं ऑफ कोर्स, नॉट एवरीबडी कैन पे. फॉर एग्जांपल आपके पास अब फिटनेस जैसे जैसे क्रेज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट, सब लोग फिट होना चाहते हैं, लेकिन पेइंग कैपेसिटी सबकी अलग है विच इज़ ओके. सो और हम लोगों ने इसीलिए कोई पेइंग जो इसका पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखा, हमने इंडियन साइकोलॉजी को देखते हुए पेमेंट रखा है. तो जो हमारा चार्जेस हैं, हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक जनकपुरी में है और दूसरी अभी ईस्ट दिल्ली में है. ये काफ़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इन दिल्ली. और इनके प्राइसेस आपके वेरी करेंगे फ्रॉम अराउंड 25,000-26,000 से लेकर 28,000 के बीच में ईयरली, और छोटे पैकेजेस भी होते हैं. इन पैकेजेस में प्लस पॉइंट ये है कि सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट फ्रॉम आपकी वैले पार्किंग, आपकी स्टीम, टॉवल, शार जेल्स, अंदर मॉइस्चराइजर्स, आपकी सारी ग्रुप क्लासेस, ऑल योर वर्कआउट सिस्टम्स, डाइट एंड न्यूट्रिशन, सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूडेड होता है. आपने इसी पे जिक्र किया था, अमेरिका का जिक्र किया था, जैसे पैसे हैं और नाम भी आपका बहुत अच्छा है, जिस किसी फील्ड में उठा के देख लिया आपका बॉडी में बॉडी मैकेनिक इतनी बड़ी जिम है आपकी, मैं कुछ कहना चाहूँगा आने वाली जनरेशन के लिए. आने वाली जनरेशन फिटनेस कोचेस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि फॉर गॉड्स सेक प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू करें. और ये मैगजीन्स और वेबसाइट्स से आप ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलत हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि इनमें से गलत या सही क्या है. आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और धीरे 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 ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप एक लेवल पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको इंडिया के टॉप कोचेज में गिना जाएगा. फिटनेस फील्ड लोगों को बहुत आसान लगती है ये, लेकिन ये सबसे मुश्किल फील्ड है, क्योंकि इस फील्ड में आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल. एक स्पोर्ट्समैन को शायद सिर्फ स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है, उसे कोई इतना मतलब नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ कि नहीं, लेकिन एज अ कोच यू हैव टू बी गुड इन थ्योरी. आपको प्रैक्टिकली भी फिट होना है, आपको नो हाउ होनी चाहिए सारी चीज़ों की, और तभी आप एक अच्छा कोच बन पाएंगे. जो फिट रहना चाहते हैं लोग, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मिथ्स जो हैं अपने दिमाग से निकालें. मार्केट में बहुत सारी मिथ्स फैली हुई हैं. सप्लीमेंट कंपनीज और जितनी भी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज हैं, इनका काम आपको फिट करना नहीं है, इनका काम प्रोडक्ट्स बेचना है. तो कौन से प्रोडक्ट्स काम करते हैं, कौन से नहीं करते, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है या नहीं होती, मार्केट में जितनी भी हेल्थ के नाम पे चीज़ें बिक रही हैं, क्या वो सच में हेल्दी हैं कि सिर्फ वो मार्केटिंग, बिकॉज एक हेल्थ रेवोल्यूशन फैला है तो हेल्थ के नाम पे चीज़ें बिकनी शुरू हो गई हैं. तो ये सारी चीज़ें उनको असेस करना ज़रूरी है. तो जब वो लोग क्वेश्चन करते हैं, जब नॉर्मल जो लोग फिटनेस में आना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो उनसे एक एडवाइस होगी या उनको एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ किसी ऐसे इंसान से आप पूछें या पता करें जिसको उसके बारे में पता हो, जिसके बारे में उसने पढ़ाई करी और रिसर्च करी हो. बाकी मार्केट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे, आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे. सो प्लीज़ फाइंड द राइट सोर्स, राइट जेन्युइन सोर्स, जिससे आप पता कर सकें कि सही क्या और गलत क्या. सो गाइज, वेलकम टू बॉडी मैकेनिक्स, एंड दिस इज़ इंडियाज़ मोस्ट ऑटोमेटेड जिम. मैं इसको एक छोटा सा आपको टूर लगवाता हूँ इस जिम का. नाउ दिस इज़ द एंट्री एग्जिट पॉइंट्स. इस जिम में कोई भी अनऑथोराइज एंट्री नहीं हो सकती. जैसे ही क्लाइंट यहाँ पे आता है, उसे फ्रंट डेस्क से एक कार्ड या बैंड इशू होता है. ये बैंड आपके सारे जिम से कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. सो जैसे ही आप एंटर करेंगे, टर्नस्टाइल पे आप अपना बैंड यहाँ पे लगाएंगे, तो ऊपर आपकी पिक्चर आ जाएगी जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी, लिखा हो जाएगा वेलकम और आपका नाम. तो जैसे ही आप इस एरिया से एंटर करेंगे, आप एंटर करेंगे कार्डियो एरिया. नाउ लोग इसको कार्डियो कहते हैं बिकॉज इट्स अ नेम गिवन, जबकि कार्डियो एरिया नाम की कोई नहीं होती. यहाँ पे ट्रेडमिल्स वगैरह हैं, क्रॉस ट्रेनर्स हैं, वी हैव द बेस्ट वंस. BH जो हमारी कंपनी है, दैट्स अ स्पैनिश कंपनी. ऑक्टेन इक्विपमेंट्स हैं, विच इज़ द बेस्ट कंपनी फॉर क्रॉस ट्रेनर्स. लेकिन BM में या बॉडी मैकेनिक्स में इन चीज़ों का यूज़ बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट कुछ वर्कआउट के अलग हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ. द फर्स्ट ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो BM ने डेवलप करा है, वो है इंडिया का फर्स्ट 2D गेमिंग सिस्टम स्पिनिंग बाइक्स में. सो दिस इज द स्पिनिंग एरिया आई एम गोना टेक यू टू. ये जो स्पिनिंग एरिया है, इसमें रेगुलर स्पिनिंग क्लासेस भी होती हैं, बट अगर आप देखें तो देर इज अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू जहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है. जैसे ही क्लाइंट्स यहाँ पे आके रेस करना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, दे कैन सिट, जैसे ही अपना बैंड टैप करेंगे उनकी वहाँ पे एंट्री आ जाएगी, एंड दे कैन वर्चुअली रेस इनसाइड विद पॉइंट्स. तो ये इंडिया का पहला 2D गेमिंग सिस्टम है. इसका एम, हमारा एम ये रहेगा कि इस सिस्टम को हम 3D गेमिंग में कन्वर्ट करें. लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मैं समर खान, आप देख रहे हैं अराइव 24 न्यूज़.